हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, अंडा हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अंडे को चाहे आप फ्राई करके खाएं, चाहे दूध में डालकर खाएं, या उसको बॉईल करके खाएं, हर तरीके से अंडा हमारे शरीर के लिए, खासकर गर्मियों में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडों के साथ में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उनका रिएक्शंस आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है। यहाँ तक है या तो ये आपके चेहरे को ख़राब कर सकता है, और कई कॉम्बिनेशंस दोस्तों ऐसे हैं जिसके एक साथ करने से आपकी डेथ तक भी हो सकती है। आज उन्हीं कॉम्बिनेशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अंडा लगभग सभी खाते हैं और सर्दियों में अंडे का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन होते हैं, वो लोग अंडे को डेली बेसिस पर खाते हैं। दोस्तों, प्रोटीन अंडे में सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जो शरीर को स्टेमिना देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन इसके साथ में हमें स्पेसिफिकली दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है मछली और दूसरा है दोस्तों नींबू। इन दो चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बॉइल्ड एग खाएं स्पेशली, तो उसके बाद में कभी भी आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींबू खाने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर हम बॉइल्ड अंडे के बाद में नींबू खाते हैं। कुछ लोग अंडे के ऊपर मिर्च और जो प्याज होती है उसको डालकर खाते हैं, इट्स ओके, वो चलता है। लेकिन कभी भी आपको अंडा खाने के बाद में नींबू का पानी या अंडे पर नींबू डालकर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मछली है, मछली का सेवन भी अंडे खाने के जस्ट बाद नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जो एक माफिया नाम की मछली होती है, उस मछली का सेवन कभी भी अंडे के बाद में नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके चेहरे पर दिखाई देगा। हो सकता है जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है या जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, उनके चेहरे पर इसका रिएक्शन विद इन 24 आवर्स देखने को मिल जाए। और इसका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन होता है दोस्तों कि इससे पूरा माथा यानी आपका फोरहेड और आपके चीक्स, ओवरऑल पूरा फेस आपका पिंपल से रातों रात भर सकता है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें, अंडे के बाद में कभी भी मछली का और नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और चीज़ों का भी खाते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शहद है जैसे, तो शहद को कभी भी दोस्तों गर्म करके हमें यूज नहीं करना चाहिए। अक्सर चढ़ते हुए बुखार में हमें शहद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में पित्त बढ़ जाता है। शहद और मक्खन एक साथ बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। घी और शहद कभी भी साथ में नहीं खाने चाहिए। यहाँ तक है कि पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन नुकसानदेह ही होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, कभी भी आप अगर फ्रूट सैलड खाते हैं, तो संतरे और केले का कॉम्बिनेशन भी हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला और संतरा दोनों ही एक साथ जाने के बाद में हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मछली के साथ कभी भी काली मिर्च का सेवन, तिल के साथ पालक का सेवन, यही नहीं, जो तिल के तेल होता है उसमें कभी भी हमें पालक को नहीं बनाना चाहिए। 10 दिन तक अगर हमारे कांसे के बर्तन में घी रखा हुआ है, तो उस घी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी के साथ में घी, तेल, तरबूज, अमरूद, खीरा, जामुन और मूंगफली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ना ही इन सारी चीज़ों को खाने के बाद कभी भी पानी ऊपर से पीना चाहिए, जैसे घी हो गया, ज़्यादा तेली चीज़ हो गई, तरबूज हो गया, अमरूद, खीरा, जामुन, मूंगफली, इनको खाने के बाद कभी भी ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। खीर के साथ में कभी भी सत्तू, शराब, खटाई या कटहल जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और चावल के साथ में सिरके के सेवन से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी वो चीज़ें हैं, खासकर हमें बॉइल्ड एग के साथ में लेमन और जो स्पेसिफिकली जो माफिया नाम की मछली होती है, उस मछली का या किसी भी मछली के सेवन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ हम आप तक ईजिली पहुँचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।